सो हेलो पोके व्यूवर्स, लेट्स प्ले पोकेमोन फायर रेड रैंडमाइजर नज़लॉक। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त यामाई। सो फ्रेंड्स, आखिरकार वो घड़ी आ गई है कि हम अब अंदर जाके हरा सकते हैं एलीट फोर को और चैम्पियन को और बन सकते हैं पोकेमोन चैम्पियन। तो चलिए, ये विक्ट्री रोड वीक और फिनाले वीक है, तो मैं आपको मेरे पोकेमोन्स दिखा देता हूँ और इनके अटैक्स भी। तो 55 लेवल का है पिंक, जिन्होंने सीखा रॉक स्लाइड, साइकिक, फ्लाई और सर्फ। और 54 लेवल के मैन, जिन्होंने सीखा एक्सेसरीज, बोन क्लब, आइस बीम और अट्रेच। और ब्लेस भाई ने सीखा फ्लेम व्हील, डिग, मडी वाटर और क्रश क्लॉ। और एक्वा गर्ल मतलब एक्वा वुमेन स्लैश ने सीखा सर्फ, पॉइजन फैंग, वाटर स्पॉट और स्ट्रेंथ। और डॉक्टर लाइट ने सीखा फर्स्ट मडी वाटर, रोलिंग किक और थंडर बोल्ट। और काटा भाई की बात करें तो इन्होंने नीडल आर्म, फेंट अटैक, मडी वाटर और कट। तो फ्रेंड्स, आप पूछेंगे सबके पास मडी वाटर क्यों है, क्योंकि मडी वाटर ये कैसा इसमें टीएम है जो कि मुझे ज़्यादा मिला और कोई भी दूसरा टीएम मिला है, खासकर फायर टाइप तो बिल्कुल नहीं मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे वापस नहीं आ पाएंगे। तो चलिए नर्स जॉय से बात कर लेते हैं। नर्स जॉय, आप कैसे हैं? बहुत दिन हो गए आपसे बात करके, क्या प्लीज़ आप मेरे पोकेमोन को हील कर देंगे? शुक्रिया। तो चलिए, मैं पीसी खोल रहा हूँ ताकि मैं आपको अपने पोकेमोन्स दिखा सकूँ अपने सफ़र के। तो ये तो हमारे टीम मेंबर्स हैं। तो चलिए, हमने किन किन को पकड़ा इस गेम में, तो वो हैं OC3 सीड्रा और डीन, सैंश्रू, टॉय बाइल, टॉय रियल मी, रेजी रॉक, नो सुडो वुडो, चार्ली, चारिजर्ड, क्रैब, किंगलर, थैनोस, निडोरिनो, माइल्स, क्वाइटल, थ्रेट, ड्रैगनायर, ग्रीन, सेलेबी, शाह, मरीप, प्लस, प्लसन, ली, सीडलियो, बेकर्स, विडल, माइनस, माइनन, करोना, क्रोबैट, गोलू, गोलम, थंडर, चिंचाओ, डायनामिक पोकेमोन फ्रेंड मतलब ड्रैगनायर, जेट, मटकेप, हाई, सिलकोन, नोज, लेडियाना, आयरन बुल, टोरोस। तो चलिए, ये थे हमारे पोकेमोन जो हमने इस गेम में पकड़े। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे टीम मेंबर्स की, तो वो हैं पहले शेली, शेलगॉन, सेलेमेंस में इवॉल्व ही नहीं हो पाया, इसका फेस देखिए दिख नहीं रहा, वीवो, सुइकून, आईफोन, मॉल्ट्रेस, लावा, ग्रोडॉन और सैमसंग रेजी आइस। तो ये सब थे हमारे पोकेमोन्स। तो चले अब चलते हैं पहले। फ्रेंड्स, मैं अंदर जा रहा हूँ, तो चले अंदर। चले, पहला एलीट फोर है, तो ये है यहाँ की पहली एलीट फोर की मेंबर और ये हमको वेलकम कर रही है। पिछले पहली फाइट है हमारे यहाँ पे। तो उसका पहला पोकेमोन है क्वायल प्लूम। चलिए, हम इस पर फ्लाई अटैक कर लेते हैं क्योंकि ये हमको पैरालिस कर सकती है। देखिए, स्टंट पोर यूज़ किया उसने भी, अभी ये फ्लाई लग जाए तो ये मर सकती है दोस्तों। ओ वाओ, बस एक ही फ्लाई में क्रिटिकल हिट और ये ख़त्म। चले, अगली पकवान है एक बीड्रे, तो हम नहीं बदलेंगे। चलिए, बीड्रे को हम सही अटैक से मार सकते हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एक बग टाइप है और ये भी बहुत स्पीड से जा रहा है। चलिए, ये सुपर इफेक्टिव था और ये मर गई। चलिए, म्यू मतलब पिंक 56 लेवल के हो चुके हैं फ्रेंड्स,
अब है नाटू की बारी, एक साइकिक टाइप पोकेमोन। यार मैं क्या कर, ओ याद आया काटा भाई का काम आएंगे, चलिए काटा भाई को भेज लेते हैं। ये हमने क्या कर दिया यार, हमने नीडल एम अटैक कर दिया, यदि कुछ भी इफेक्ट नहीं करता तो फेंट अटैक करना है। चलिए विश, लेकिन वो फेल्ड है, ये फेंट अटैक कर देते हैं इसे। ये लगेगा, ये बहुत ज़ोर से लगेगा, लेकिन लेकिन यार ये मरा क्यों नहीं। चलिए विश की वजह से इसकी आधी लाइफ तो वापस आ गई, पर क्या कर सकते हैं, अरे यही होना बाकी था फ्रेंड्स, है तो पैरालिज हो गया यार, और ये कंफ्यूज हो गया यार, और ये ख़ुद को ही मार लिया इसने। ग्रेट, चले विश अटैक किया है फिर से, लेकिन इस बार तुम्हारे विश पूरी नहीं होगी, क्योंकि काटा भाई फ्रेंड अटैक करेंगे तुम पे। तो चलिए गाइस, नाटू भी गए, जाटू, चले जाटू भी चला गया। हमने तीन पोकेमोन को मारा, तुमने सही पढ़ा कि ये मटकिप है या फिर, अरे वाह यार मटकिप, ये वाटर टाइप पोकेमोन्स की तो यही खासियत है। चले इस कन्फ्यूजन से बाहर आए और नीडल एम अटैक गया। क्या जैटू की विश अभी भी है, लेकिन इस बार नहीं मटके, नीडल एम अटैक बहुत ज़ोर से पड़ा, और बहुत बहुत ज़ोर से पड़ा यार, बस एक ही शॉट में मटके फेंड हो गया। तो अगला पोकेमोन है एक रैल्स्ट, तो हम इसे भी नहीं चेंज करेंगे, आखिरी पोकेमोन है यार ये, तो चलिए फेंट अटैक कर लेते हैं और इसे भी ख़त्म कर देते हैं यार। 3 लेवल ज़्यादा है हमसे, लेकिन सुपर इफेक्टिव की बात है यार। चले राज भी गया, चले काटा भाई सब पे भारी पड़े, सबको काटा लगा दिया। तो चले इसने हमको आगे जो कह दिया है, तो चले फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो चले फ्रेंड्स अब हम ब्रूनो के साथ भी लड़ सकते हैं, एलिट 4 का ब्रूनो है अगला, तो वो फाइट जल्दी ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए मैं ब्रूनो के साथ भी लड़ूंगा आज। चलिए 5 के बदले अब 3 वीडियोस आएंगे। ओ माय गॉड, ये क्या है, एक्सप्लोजन मत करना, मैं अभी कह रहा हूँ सिर्फ अटैक कर देता हूँ जल्दी से, क्योंकि एक्सप्लोड हो जाएगा ये। रिजी रॉक है, फुल रॉक टाइप है, बस मर जाओ यार। चलिए आयरन डिफेंस किया इसने, हमारा पिंक अभी अभी अच्छे फाइट्स देने लगा है, तभी एक्सप्लोजन करने आ गया यार। चलिए 2 सर्फ के साथ रिजी रॉक भी ख़त्म। चलिए अगला कौन सा था, मैंने तो देखा नहीं, फिर भी हम भेज देते हैं कौन को। हम अपना स्टार्टर पे नहीं तो किस पे भरोसा करेंगे। अरे भाई यार ये तो ग्राउंड टाइप पोकेमोन मिल गया हमको, ग्राउंड ड्रैगन टाइप आई थिंक सो, यस यस ये ग्राउंड टाइप ही है। ट्रैम्पिंच है इसका नाम, और हमने इसे बस एक ही सर्फ में मार दिया। अगला पोकेमोन कौन सा है, आई डोंट केयर,
एक डन फ्रेंच सची, इससे बेहतर पोकेमोन नहीं है तुम्हारे पास ब्रूनो। ओह ये तो और अच्छा है, मुझे फाइटिंग टाइप अटैक्स चाहिए, लेकिन तो मैं क्या करूँ, चलिए स्ट्रेंथ अटैक करता हूँ, ज़्यादा इफेक्ट कर रहा नहीं। लियो वाओ टेक डाउन, ये बस कुछ भी यार, हमारा एक्वागल को मार दिया था लगभग। फिर से एक टेक डाउन, अरे यार ये थकता नहीं क्या टेक डाउन कर करके। ओह वाओ इससे अच्छी रोलिंग किक, मुझे पता था कि ये करेगा ही करेगा, मेरी 60% HP चलेगी। जी रोलिंग किक तो लगे सुपर इफेक्टिव है, पर पोकेमोन चेंज करेंगे यार। चलिए मैन के पास आउटरेज है, बहुत अच्छे अच्छे अटैक्स हैं, वही करेंगे। इसे टेक डाउन करने की कोशिश थी पर इस बार हम बच गए। चलिए इस बीम करते हैं, ये पहले इस बीम हो गया हमारी सीरीजन में। फ्रोज हो जा, फ्रोज नहीं हुआ यार, फिर से टेक डाउन कर रहा है, फिर से 60% XP नहीं गई इस बार, नहीं गई। चलिए ये अपने आप ही मर गया, आखिरकार हमने उसे भी हरा दिया। तो गया एक लिलीप, तो उसे भी हम बस म्यू के साथ ही मार देंगे। चलिए आइस भी मी करते हैं यार, बस फ्रोज हो जा। ओ ये क्या सुपर इफेक्टिव, चलिए यार ये तो सुपर इफेक्टिव हो गई। चलिए एक और आइस भीम करते हैं, मुझे पता था कि फुल रिस्टोर यूज़ करेगा, इस बार क्रिटिकल हिट अप जाए यार, मज़ा ही आ जाएगा। चलिए 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 मर जाओ यार, यस यस आखिरकार हमने बहुत जल्दी दोनों के पोकेमोनों को हरा दिया, बस हम जीत गए, नहीं जीते। एक और पोकेमोन बचा है जो कि है लिकिटंग, तो मैंने सबके साथ फाइट की एक्सेप्ट ब्लेज, चलिए ब्लेज को भी आज मौका देते हैं। चलिए लिकिटंग आज का आखिरी पोकेमोन है जिसको हमें हराना है, और हमने एक बार भी क्रश क्लॉ नहीं किया, तब हमने वो किया। और ये क्या हुआ, डिफेंस फेल हो गया यार, ग्रेट, और इसने तो हम पे स्लैम ही कर दिया डायरेक्ट। चलिए मडी वाटर करते हैं, ज़्यादा HP जाएगी। वाह चलिए यही होना था यार, हमारा मडी वाटर गया। चलिए अब बस क्रश क्लॉ ही कर सकते हैं हम, जिससे HP ही नहीं जा रही। ओ इस बार गई, डिफेंस कम हो रहा है ना, पॉइंट देखिए मेरा, आई एम सो इंटेलिजेंट। चलिए इस बार भी हम क्रश क्लॉ ही करेंगे क्योंकि डिफेंस ना है तुम्हारा। चलिए लिकिटंग का अटैक मिस होना ही था, चलिए आखिरी क्रश क्लॉ, और इसी क्रश क्लॉ के साथ हमने हरा दिया है ब्रूनो को भी। चलिए हमने ब्रूनो को भी हरा दिया, और ब्रूनो का फेस देखिए, दिखी नहीं रहा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अरे रुक जा यार। सो फ्रेंड्स ऐसा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरा चैनल पे बस वीडियो बहुत लेट आ रहे हैं, इसका मैं वजह आपको बता सकता हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फ्रेंड्स, और इसी प्रेशर में मैं वीडियो बनाना भूल रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, अगर मेरा एग्ज़ाम क्लोज होता है तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम होने तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकूँगा। सो फ्रेंड्स आई होप यू इन्जॉय दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।